ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किए गए महाधिवक्ता नरपतमल लोढ़ा कल जयपुर में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। पद ग्रहण करने के बाद प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से शिष्टाचार मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। ईटीवी से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आम जनता को जल्दी और सस्ता सुलभ न्याय उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने बताया कि नई भर्तियों को लेकर उच्च न्यायालय में विचाराधीन समान प्रकृति की रिट याचिकाओं के जल्द निस्तारण करवाने के लिए भी सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। ईटीवी संवाददाता राजीव गौड़ ने उनके जोधपुर स्थित निवास पर खास बातचीत की। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ विधिवेता नरपतमल लोढ़ा की जो पहले की जो सेवाएं दी गई हैं महाधिवक्ता के रूप में, उन पर निष्ठा और भरोसे के आधार पर एक बार फिर राजस्थान सरकार ने उन्हें महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया। इस वक्त लोढ़ा हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि कई बार बहुत चुनौती, दूसरा मौका है तो कई चुनौतियां भी होंगी, कैसे निपटेंगे उनसे? जहां तक मुकदमों का प्रश्न है उसको दो भागों में बांटना चाहिए। एक वो मुकदमे जिनके बारे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, वास्तव में इनका अध्ययन होने के बाद में मालूम पड़ता है कि इनका निस्तारण जरूरी है, क्योंकि इससे प्रशासनिक अधिकारी कई दफे आते रहते हैं, न्यायालय में उनकी हाजिरी होती रहती है, इससे प्रशासनिक कार्य में बाधा होती है। इसके अतिरिक्त जो काम हो सकता है उसका निपटारा हो जाना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट प्रश्न यह है कि जो नई नियुक्ति देनी है जिनका कारण से कोर्ट केसेज पेंडिंग है, उनका निस्तारण जल्दी किया जाना चाहिए ताकि प्रशासन के अधिकारी अपना काम कर सके। जनहित याचिकाएं हैं, अन्य लिटिगेशन हैं, कई तरह की सरकार के सामने चुनौतियां भी होती हैं ऐसे इश्यूज पे, उसमें आपकी क्या भूमिका रही? जहां तक संभव होगा मैं न्याय के अनुसार, कानून के अनुसार और विधान के अनुसार उचित पक्ष प्रस्तुत करूंगा और अपनी टीम को भी ये कहूंगा कि जहाँ पब्लिक में न्याय होने की व्यवस्था होती है वहाँ अच्छा प्रशासन होता है, इसलिए हमें स्वच्छ प्रशासन देने के लिए गरिमापूर्ण तरीके से केसों का कंडक्ट करना चाहिए। लेकिन क्या सोचते हैं, एक महाधिवक्ता के रूप में खूब सारा दायित्व होता है, किस तरह के दायित्व कैसे निभाएंगे? जो चुनौतियां हमेशा आती रहती है और जीवन वही है जिसमें चुनौतियों का सामना करने का असर होता है। आपकी नियुक्ति से पूरे संभाग के अंदर तो खुशी है ही, पर लेकिन राजस्थान के जो विरोधी पक्ष हैं तो उन वो भी आप लोग को आपको बधाइयां दे रहे हैं, बड़ी आपका प्रेम के समझ रहे हैं। मेरा कोई विरोधी नहीं है, सब अपने अपने तरीके से अपने लिए कोई काम करते हैं, उसको मैं विरोध नहीं मानता हूं और न मैं किसी को विरोधी मानता हूं। जो कोई भी मुझे उचित सुझाव देगा मैं उसके पूर्ण अध्ययन करूंगा और जितना संभव होगा और जितना उचित होगा मैं उसका पालन करने की कोशिश करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि साफ तरीके से नरपतमल लोढ़ा साहब किया कि उनका कोई विरोधी नहीं है, उन्होंने जो काम करना है विधि विधान से करना है, जो ईश्वर ने और जो सरकार ने उन पर भरोसा किया है उस भरोसे के आधार पर जो भी जिम्मेदारी पहले भी मिली है और अभी जो जिम्मेदारी मिली है उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएंगे और उसी आधार पर कहीं ना कहीं जो सरकार के लिए जो कुछ जनहित याचिका को लेकर के जो भी चुनौती है उनका मुकाबला डट करके करेंगे, वो भी कानून के अनुसार। कैमरामैन शिव सिंह के साथ राजीव गौड़, ईटीवी न्यूज़।